नासिक में बस में भीषण आग लग गई है और 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 21 लोग जख्मी हैं। बस यवतमाल से मुंबई जा रही थी और वहीं नासिक के पास ट्रक से टक्कर के साथ ये बस धू कर जलने लगी। अब चीख मुकार पच गई और वहीं अफरा तफरी का माहौल हो गया और बस में सवार लोग कुछ समझते तब तक बस आग के चपेट में घिर गई और देखते ही देखते लोग आग की लपटों में गिर गए। देखिए 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 21 लोग जख्मी हैं, इनमें से कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पहले यह आंकड़ा 9 था, मृतकों की संख्या 9 थी, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ा और ये 11 तक पहुंच गया है और अभी जानकारी मिल रही है कि जो 21 लोग झुलसे हुए हैं, जख्मी हैं, उनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो नासिक में किस तरह से धू कर ये बस जल गई, 11 लोगों की जहां मौत हो गई, तस्वीरें आई हैं, देखिए जरा। लेकिन इसके पहले कि कुछ लोग समझ पाते कि क्या हुआ, आग लग गई, उनको बचने तक का, संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो काल के गाल में समा गए, तो मौत के मुंह में जा गिरे। 11 लोगों की मृत्यु हो गई है झुलसने की वजह से और 21 लोग गंभीर तौर पर घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी हैं। नासिक शहर में सवेरे करीबन 5:15 बजे मिर्ची होटल चौक के पास यहाँ पर एक प्राइवेट लग्जरी बस और एक ट्रक के बीच में यहाँ पर अपघात हुआ है जिसमें करीबन 10 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 38 प्रवासी जो है वो इंजर्ड है जिनको सिविल हॉस्पिटल में उपचारों के लिए भेजा गया है, उनके उपचार अभी चालू है। घटनास्थल पर सभी पुलिस, फायर फाइटर और बाकी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद है। यह अपघात क्यों हुआ और अपघात होने के बाद ये बस को जो आग लगी है वो किस वजह से लगी है उसकी तहकीकात अभी शुरू है, तहकीकात के बाद इसके बारे में बोला जाएगा। और इस पर अपडेट हासिल करने का वक्त है तो सीधा रुख करते हैं पंकज केलकर का, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, अब तक क्या जानकारी है? मृतकों की संख्या बढ़ रही है लगातार और घायलों में से बहुतों की हालत नाजुक भी बनी हुई है जानकारी के मुताबिक। जी आशुतोष, जो एक्सीडेंट हुआ है नासिक शहर में उसमें ये जो बस है, लग्जरी बस, ये विदर्भ इलाके से वाशिम के पास वाले शहर से मुंबई की ओर जा रही थी, नासिक से गुजरते हुए उसका टैंकर के साथ एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो आग लग गई और जख्मी हालत में कुछ जो मुसाफिर है जिसकी संख्या अभी 11 बताई जा रही है और इसके अलावा कुल 38 पैसेंजर्स के ऐसा बताया गया है। तो बाकी के जो पैसेंजर्स है जख्मी हालत में उनको सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक ही बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन या जो भी राहत कार्य है वो तुरंत वहां पर किया गया है। जो पास वाले लोग थे उन्होंने भी लोगों को बचाया, काफी जो मुसाफिर है उनको खिड़की में से निकाला गया बाहर, ऐसी भी कुछ लोगों ने जानकारी दी है। पंकज, अब क्या बताया जा रहा है कि ये सीएनजी बस थी या फिर डीजल वाली बस थी, इस पर कुछ जानकारी मिली और आग एकाएक कैसे लग गई कि बचने तक का मौका नहीं मिला, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला? ये जानकारी अभी तक नहीं आई है कि बस सीएनजी थी या डीजल वाली बस थी, पर वो एक्सीडेंट के बाद ही बस में आग लग गई, वो बैटरी से शुरुआत हुई या और भी कोई ज्वलनशील पदार्थ बस में था क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी जल्दी आग कैसी क्या लग गई। इसके अलावा फायर फाइटिंग के जो उपकरण होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, वो थे या नहीं, या उस हालत में बस के जो कर्मचारी है वो थे क्या कि वो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर भी इस्तेमाल कर पाए, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर अभी तक जानकारी आनी बाकी है। पुलिस प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे घटना को लेकर, प्रकरण को लेकर? पंकज, पुलिस प्रशासन का दावा है, पुलिस का दावा है कि जैसे ही दुर्घटना हुई कम से कम समय में वो वहां पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और जख्मी हालत में लोगों को वहां से अस्पताल में भेजा गया है और तुरंत इलाज मिले इस हिसाब से उन्होंने काम किया है ऐसा कहा जा रहा है। 21 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं उनमें से खबरों के मुताबिक बहुत सारे लोग गंभीर तौर पर भी झुलसे हुए हैं। पंकज जी, क्योंकि बस की दुर्घटना के बाद जो आग लग गई बस में, जख्मी हालत में लोग अंदर थे, फंसे हुए थे, इसमें उनको भी जो आग लगी थी उसमें वो झुलस गए हैं ऐसी जानकारी है और उसी कारण उनकी हालत नाजुक है या उनके ऊपर इलाज चल रहा है ऐसी जानकारी आ रही है। ये तड़के कितने बजे की घटना है और एग्जैक्टली लोकेशन के बारे में थोड़ा सा वहां बताएं पंकज। देखिए, नासिक के आउटस्कर्ट्स में वो नासिक शहर का इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है। औरंगाबाद हाईवे है ये और वाशिम डिग्रस उस तरफ से आने वाली ये बस है।
चिंतामणि लग्जरी बस ऐसा नाम बताया गया है और मुंबई की ओर जा रही थी बस। शुक्रिया पंकज इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जांच के आदेश दे दिए हैं।